कीनिया के सुप्रसिद्ध धावक अबेल मुताई एक प्रतियोगिता में अंतिम राउंड में दौड़ते समय अंतिम लाइन से कुछ ही मीटर दूर थे और उनके सभी प्रतिस्पर्धी उनसे बहुत पीछे थे। अबेल ने स्वर्ण पदक लगभग जीत ही लिया था। सभी दर्शक उनके नाम का जयघोष कर रहे थे। इतने में कुछ गलतफहमी हो गई और वो अंतिम रेखा समझकर एक मीटर पहले ही रुक गए। उनके पीछे आने वाले स्पेन के इवान फर्नांडीज के यह ध्यान में आ गया कि कुछ गलतफहमी हो गई है और अंतिम रेखा समझ में ना आने की वजह से वो पहले ही रुक गए हैं। उन्होंने चिल्लाकर अबेल को आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन स्पैनिश नहीं समझ में आने की वजह से अबेल नहीं हिले। आखिरी में इवान ने उन्हें धक्का देकर अंतिम रेखा तक पहुंचा दिया। इस कारण अबेल को पहला पुरस्कार और इवान को दूसरा पुरस्कार मिला। पत्रकारों ने इवान से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मौका मिलने के बावजूद तुमने पहला पुरस्कार क्यों नहीं लिया? इवान ने कहा, मेरा सपना है कि हम एक दिन ऐसी मानव जाति बनाएं जो एक दूसरे की मदद करें, और मैंने पहला पुरस्कार नहीं गंवाया। पत्रकार ने फिर कहा, लेकिन तुम केनियन प्रतिस्पर्धी को धकेल कर आगे ले आए। इस पर इवान ने कहा, वह प्रथम पहले भी था, यह प्रतियोगिता उसी की थी। पत्रकार ने फिर कहा, लेकिन तुम स्वर्ण पदक जीत सकते थे। इवान ने कहा, उस जीतने का क्या अर्थ होता? मेरे पदक को क्या सम्मान मिलता? मेरी मां ने मुझसे कहा था, संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे जाने चाहिए। मैंने अगली पीढ़ी को क्या दिया होता? अगर मैंने ये कर दिया होता तो दूसरों की दुर्बलता या अज्ञान का फायदा ना उठाते हुए उनको मदद करने की सीख मेरी मां ने मुझे दी थी।